हेलो फ्रेंड्स, मैं के टेलर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सूट की चाक में अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाना बताऊंगी। ये मैंने एक तरफ की चाक में पाइपिंग लगा ली है और मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि इसे कैसे लगाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ताकि कोई स्टेप मिस ना हो और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके बाद हमने मशीन में सिंगल फुट लगाना है, जो मैंने लगा लिया है, और हमने पाइपिंग इस प्रकार से दूसरी तरफ भी लगानी है। ये हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़कर निशान लगा लिया है। अब हमने इस निशान के ऊपर से ही पाइपिंग ज्वाइंट करनी है। ये हमने डोरी वाली पाइपिंग ले ली है। इसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, देखिए, डोरी की साइड अंदर की तरफ और मार्जिन की साइड बाहर की तरफ। अब इस पर सिलाई लगानी है डोरी के साथ साथ सीधी, और पाइपिंग बिल्कुल लाइन के ऊपर रखनी है। सिलाई को सीधी लगाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। यहाँ ऊपर हम 1 इंच का निशान लगाकर पाइपिंग को यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, बिल्कुल सिलाई के साथ साथ। ये हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हम दूसरी तरफ की पाइपिंग लगाएंगे। और दूसरी तरफ की पाइपिंग हम ऊपर की साइड से लगाएंगे, बूट के हिसाब से। यहाँ भी हम डोरी वाली साइड अंदर की तरफ रखेंगे और मार्जिन वाली साइड बाहर की तरफ रखेंगे। और इसको बराबर मिलाते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। अब हम सिलाई डोरी के साथ साथ सीधी लगाते जाएंगे। ये हमारी ज्वाइंट हो चुकी है पाइपिंग। इसके बाद हम 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे और डोरी की साइड से सिलाई लगाकर मिलाते हुए इसको सील देंगे। धागे को अंदर की तरफ दबा देंगे। और पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगा देंगे।
ये हमने पूरा फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम ये दूसरी तरफ का फोल्ड करेंगे। इसी प्रकार आधा इंच का मार्जिन अंदर और डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, और इस पर पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। बराबर दबाएंगे। और इसको सिलाई लगाते हुए पूरा कर लेंगे। इसके बाद इसे उल्टी तरफ फोल्ड करके और सीधी तरफ, यहाँ सीधी तरफ पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। कपड़े को सीधा करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। ये हमारी पूरी हो गई है और यहाँ पर हम सुई को अंदर रख के इसको घुमाएंगे और 3 कदम चला के इसको फिर से घुमाएंगे और सीधा कर लेंगे और फिर से पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। कपड़े को सीधा करते हुए सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। ये हमारी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। यहाँ कपड़े को सीधा कर लेंगे और इसको घुमा के इस तरफ भी कच्ची सिलाई लगाएंगे।
कच्ची सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने नीचे का घेर फोल्ड करना है। इसे भी हमने फोल्ड कर लिया है और इधर भी पाइपिंग लगा ली है। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।